Very good morning students, how are you all? I hope that you all are fine and staying at your home. So I'm your teacher and today I'm going to solve the worksheet for you. So as you know, today is 17th of May, Monday, and you have received the homework which is on worksheet. This is the worksheet which you can see here. So I will solve the worksheet for you. बेटा आज मंडे है, 17th ऑफ मे है. आप सभी को वर्कशीट यानी आपका जो होमवर्क है सैटरडे वाला वो मिल गया होगा और आज मैं आपको इसी को सॉल्व करके दिखाऊंगी. सो लेट मी स्टार्ट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. That is, color C to make a chain of CC balls in each groups. देखिए यहाँ पे three groups है, 1, 2 and 3. यहाँ पर एक series है और series में क्या हमें करना है, जितने भी C हैं उन पर हमें color करना है और हमें एक chain बनानी है. ठीक है, अब आप लोगों को क्रेयॉन्स यूज़ करने हैं, जो वैक्स कलर्स होते हैं वो यूज़ करने हैं, लेकिन मैं जो हूँ यहाँ पे स्केच पेन यूज़ करूँगी. रिमेंबर, आपको क्रेयॉन्स यूज़ करने हैं और मैं यहाँ पे स्केच पेन यूज़ करूँगी. सो नाउ दिस इज सी. तो अब इस सी पे हम क्या कर देंगे, इस पे हम कर देंगे रेड कलर. जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि जितने भी सी हैं उस पर कलर करिए और एक चेन बनाइए. तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें सी फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे सी बना हुआ है पूरे बॉक्स में और उस पर हमें कलर करना है. कलर हम अपने हिसाब से करेंगे, हम अपनी चॉइस से करेंगे, लेकिन हमें कौन से कलर यूज़ करना है, हमें क्रेयॉन्स यूज़ करना है. और इसको आप जो है कट करके अपनी नोटबुक में भी पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको संभाल के फाइलिंग करके इसकी रख सकते हैं. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस पर कलर करना है. कलर करते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि जो कलर है वो सर्कल से बाहर नहीं निकले. और हमें किस पे कलर करना है, हमें सिर्फ सी ढूंढ के सी पे कलर करना है. अगर आप किसी और अल्फ़ाबेट पे कलर करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग. अभी आप लोगों के सिलेबस में कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं, अभी सिर्फ आपने स्मॉल जो लिखना है स्मॉल अल्फ़ाबेट्स वो स्टार्ट नहीं किया है. बट यू हैव टू रिकग्नाइज, है ना. और जो सी होता है बेटा, ये कैपिटल और स्मॉल लेटर में एक तरीके से लिखा जाता है. उस कैपिटल में ये थ्री लाइन्स में लिखा जाता है और स्मॉल में ये टू लाइन्स में लिखा जाता है. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया सी का हमने सीरीज बना दी, सी की हमने चेन बना दी. अब हम दूसरा देखते हैं. तो दूसरे में हमको क्या करना है, सेकेंड वाले ग्रुप में हमें अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग. वॉट वी हैव टू कलर द अल्फ़ाबेट सी और इस पर हमें इस तरीके से कलर करना है कि कलर जो है वो सर्कल के बाहर नहीं निकले. और इस तरीके से हमने सी की जो पूरी चेन है इसको हमने कलर कर दिया. अच्छा, यहाँ पे हम क्या एक और चीज़ जानेंगे, वी विल रिकग्नाइज थ्री कलर्स. दिस इज द रेड कलर एंड दिस इज़ द ब्लू कलर. अब मेरे हाथ में जो है नेक्स्ट है ग्रीन कलर. तो अब जो नेक्स्ट बॉक्स है, नेक्स्ट जो ब्लॉक है, इसमें मैं सी को ग्रीन कलर करने वाली हूँ. आप बिल्कुल अपनी पसंद के कलर्स ही यूज़ करिएगा, बट इट शुड बी क्रेयॉन्स. तो इस तरीके से इस पर मैंने ये स्टार्ट कर दिया है. बस मुझे ये ध्यान रखना होगा कि आई हैव टू कलर ओनली अल्फ़ाबेट सी. तो इस तरीके से इस वाली चेन में मैंने ग्रीन कलर कर दिया है. सो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई हैव डन इट. क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के अनुसार मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है. सी की चेन मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर दी है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर एंड मैच द पिक्चर्स विद द अल्फ़ाबेट. सो यू हैव टू कलर इट. अब मैं इसको कलर नहीं करूँगी, मैं इसको सिर्फ आपको एक बार करके बताऊंगी कि किस तरीके से मैचिंग करनी है, लेकिन आप इसको ब्यूटीफुल कलर करेंगे. अच्छा बेटा, ये जो भी वर्क है इट इज़ नॉट ओनली फॉर वन डे, दिस इज़
फॉर द होल वीक, ये पूरे वीक का वर्क है, तो आप इसको अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जो है पेरेंट्स की हेल्प से इसको करिए, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें हमें मैच करना है। अल्फ़ाबेट्स हम रिकॉग्नाइज करते हैं कौन से, दिस इज़ बी फॉर बॉल, दिस इज़ सी फॉर कैट, दिस इज़ एफ फॉर फिश एंड दिस इज़ एच फॉर हट। अब यहाँ पर इस पूरे जो पिक्चर आप जो वर्कशीट देख रहे हो इसमें क्या है, इसमें टू पिक्चर्स हैं। एवरी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाली टू पिक्चर्स है, लाइक दिस इज़ एफ फॉर फिश, दिस इज़ बी फॉर बॉल, दिस इज़ सी फॉर कैट, दिस इज़ एच फॉर हाउस, दिस इज़ सी फॉर कप, दिस इज़ बी फॉर बलून, दिस इज़ एफ फॉर फ्लैग एंड दिस इज़ एच फॉर हट। तो अब हमें बी को हम किससे मिला देंगे, जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे बलून एंड बी फॉर बॉल। तो इस तरीके से हमने इस पर मैचिंग कर दी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सी फॉर कप एंड सी फॉर कैट, तो हमने इस तरीके से इस पर मैच कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं एफ फॉर फिश एंड एफ फॉर फ्लैग, तो हमने इसको इस तरीके से मैच कर दिया। एंड इट लास्ट एच फॉर हाउस एंड एच फॉर हट, तो हमने इसको मैच कर दिया। बस आपको क्या करना है, आपको इन पिक्चर्स पर साथ में कलर भी करना है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट, कलर द शेप्स अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। अब इसमें यहाँ पे क्या है, शेप्स दी गई हैं और इसमें आपको कलर्स करने, कलर्स लेकिन अपने मन से इसमें आपको नहीं करना है, इसमें जो है आपको अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, जैसे भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसी हिसाब से आपको कलर करना है। जैसे जो ये है ट्राइंगल, तो इसमें हमें रेड कलर करना है। सर्कल, इसमें हमें ग्रीन कलर करना है। और जितने भी स्क्वायर दिखे उसमें हमें ब्लू कलर करना है। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। ट्रायंगल पे मुझे कौन सा कलर करना है, ट्रायंगल पे करना है मुझे रेड, तो मैं ट्रायंगल पे क्या करूँगी, रेड कलर कर दूँगी। इसी तरीके से स्क्वायर पे आपको क्या करना है, स्क्वायर पे आपको ब्लू कलर करना है। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि जितने भी ट्रायंगल्स हैं ना उन पे सबसे पहले आप एक आउटलाइन बना लीजिए, जिस भी कलर की बोला है, रेड कलर की बोला है तो रेड आउटलाइन बना लीजिए, जिससे कि हमसे गलती ना हो, राइट। इसके बाद में हमें बोला गया है कि हमें सर्कल करना है ग्रीन कलर से, तो हम जितने भी यहाँ पे सर्कल हैं उसमें हम ग्रीन कलर से आउटलाइन कर देते हैं, जिससे कि जब हम फाइनली करें तो हमसे कुछ भी गलती ना हो। और नेक्स्ट जो है स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए बोला है विच कलर, ब्लू, तो इस पर हम क्या कर देते हैं, ब्लू कलर से आउटलाइन कर देते हैं। तो मैंने इस तरीके से जो है इसके अंदर कलर्स भी फिल कर लिए। तो अब हमने क्या किया इसे करने के लिए, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हमें ट्रायंगल पर हमें करना था रेड कलर, सर्कल पे हमें करना था ग्रीन कलर और स्क्वायर पे हमें करना था ब्लू कलर। सारे स्क्वायर्स पे हमने आउटलाइंस ब्लू कलर से कर दी और इसी तरीके से सर्कल पर ग्रीन एंड ट्रायंगल्स पर रेड, और उसके बाद में इसके अंदर कलर्स फिल कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है काउंट एंड सर्कल द करेक्ट नंबर। अब हमको क्या करना है, हमें सिंपली काउंट करना है 1, 2, 3, एक हमारे लिए किया हुआ है और इसी तरीके से अब हम इसको आगे करेंगे। काउंट करने के लिए कट करते जाएंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, जहाँ पे भी 5 है उसको ढूंढ के हमें सर्कल कर देना है। 1, 2, 3 एंड 4 हम इस पर सर्कल कर देंगे, 1 जिस पे हम सर्कल कर देंगे, 1, 2, 3। अब हमें यहाँ पे 3 फाइंड करना है, 3 पे हम सर्कल कर देंगे, 1, 2, 3, 4 पर हम सर्कल कर देंगे, 1 एंड 2 कैप्सिकम्स, 2 पर हम सर्कल कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 5 पे हम सर्कल कर देंगे। तो इस तरीके से हम जो है काउंट करेंगे, सबसे पहले काउंट करके हम कट करते जाएंगे 1, 2 एंड 3,
ऑलरेडी सर्कल है। कट करने से क्या होगा, हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, ड्रॉ लाइन फ्रॉम बिग एनिमल टू द स्मॉल एनिमल। यहाँ पर टू कॉलम्स है जिसमें कि हमको एनिमल्स बने हुए हैं। ये कैट है, यहाँ पर भी कैट है, रैबिट है, देन नहीं रैबिट एंड रैबिट, स्क्वायरल मतलब गिलहरी, दिस इज ऑल्सो स्क्वायरल, एलिफेंट एंड एलिफेंट। बट वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू मैच द बिग एनिमल विद द स्मॉल। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमको सेम एनिमल्स मिलाने, तो हम वो भी कर सकते हैं। और अगर हमसे कोई ये बोले कि बड़े पिक्चर को उसी के छोटे पिक्चर से मैच करना है, तो हम उसको वो भी समझ सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या करना है, जो बिग पिक्चर है उसको हमें स्मॉल से मैच करना है। कैट को हम कैट से कर देंगे, रैबिट को हम रैबिट से मैच कर देंगे, स्क्वायरल को हम स्क्वायरल से कर देंगे, और एलिफेंट को हम एलिफेंट से कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपनी एक्टिविटी शीट जो है, वर्क शीट जो है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट में आपको कुछ होमवर्क दिया हुआ है, लाइक आर्ट चैम्पियन ए, इसमें आपको पेज नंबर 2 और 3 कंप्लीट करना है। माय ग्रीन एक्टिविटी बुक, इसमें आपको पेज नंबर 2 to 10 कंप्लीट करना है। माय ग्रीन एक्टिविटी बुक अर से अंगा तक अक्षर लेखन, इसमें आपको पेज 2 to 7 कंप्लीट करना है। तो अगर आप देखेंगे अपने सिलेबस में, आपके पास ये 3 बुक्स होंगी, पेज नंबर आपको ध्यान रखना है, और आपको उसके अकॉर्डिंग होमवर्क की डेट डालनी है, और आपको क्लास वर्क लिखना है CW, और उसके बाद में आपको वो बुक्स में पर्टिकुलर पेजेस जो कि दिए हैं वो आपको कंप्लीट करना है। तो आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।